मैंने अभी मुंबई से हैदराबाद की ट्रिप कंप्लीट की है और इस ये मैंने ट्रिप की अपनी वाइफ के साथ जो कि मेरी पिलन थी। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो मैं आई आइकन में प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगा जिसके अंदर टोटल 4 वीडियोस हैं, तो आप वो देख सकते हैं। दो बार मैं हैदराबाद कर चुका हूं, एक बार भाई के साथ एक बार वाइफ के साथ। तो मैं भाई के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके साथ कोई पिलियन है एज वो भी फीमेल औरत है कोई लेडी है तो वो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से एज अ राइडर आप इम्पैक्ट होते हैं, आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं हूँ आपको होस्ट रवि और आपका स्वागत है मेरे चैनल राइडिंग सोलर में। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हो गई जगह? नहीं नहीं बैठो बैठो कुछ नहीं। हो गई जगह? कुछ भी तकलीफ है तो सीधा दो बार टैप करना या पैसे ठीक मारना, ठीक है? द फर्स्ट पॉइंट इज आपका फीमेल पिलियन कितना कंफर्टेबल है। तो देखो ये जो कंफर्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इंडिविजुअली वेरी कर सकता है। एक फीमेल पिलियन है वो उस पर्टिकुलर बाइक पे कंफर्टेबल होगी, लेकिन वो शायद कोई दूसरी प्लेन होगी वो उसके उस बाइक पे सेम बाइक पे कंफर्टेबल नहीं होगी, ये हो सकता है। तो जो फीमेल कंफर्ट है वो बाइक से वेरी कर सकता है, वो बाइक कितनी कंफर्टेबल है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ओवरऑल राइड में कितनी कंफर्टेबल रहने वाली है। उसके बाद उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है, वो फिजिकली फिट है या नहीं है, मेंटली प्रिपेयर है या नहीं है। अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो उसको नॉर्मल टाइम से ज़्यादा यू नो अनकंफर्टेबल फील होने वाला है उस बाइक पे बैठने के बाद। और थर्ड अगर उसका पिलियन एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल उसने कभी ज़्यादा राइड ही नहीं किया है पीछे एज ए पिलियन बैठ के, और सडनली आप यू नो 500,000 किलोमीटर के राइड पे उसको पिलियन बैठा के लेके जाने वाले हो, तो उसको नहीं पता उसको क्या इश्यूज़ होने वाले हैं और उसको किस तरह से हैंडल करना है तो वो उसको नहीं पता है। तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर प्लेन कंफर्टेबल नहीं है तो ओवरऑल आप भी कंफर्टेबल नहीं होंगे और आपकी राइड अच्छी नहीं होगी। उसके बाद आता है हॉल्ट। देखो अगर आप एज अ सोलो राइडर हो या फिर ग्रुप में हो तो आप यू नो मैनेज कर सकते हो, आप अपने दोस्त को बोल सकते हो यार नहीं अभी नहीं चल थोड़ा टाइम और चलाते हैं 100-200 किलोमीटर और चला ले उसके बाद ब्रेक लेते हैं, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर आप सोलो राइडर हैं तो ये भाई आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, आपका मन करता है 100 बार रुको आपका मन करता है मत रुको। लेकिन अगर आपके साथ फीमेल प्लेन है तो भाई अगर आप पूरी राइड पे 5 हॉल्ट लेते हो ना तो 5 की जगह आप 8 या 10 हॉल्ट लोगे, ये कंफर्म है। हाफ आर का ब्रेक ले लिया, ब्रेक मुझे ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं क्योंकि साथ में वाइफ है और उसको और वो थोड़ा सा आराम चाहिए। औरतें होती हैं ना उनके अपने इश्यूज होते हैं, अगर उसको कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो आपको रुकने के लिए बोलेगी, उसको भूख लगे तो बोलेगी, वो आपके हिसाब से नहीं चलती, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है वो टाइम पे। जिनकी फीमेल पिलियन के साथ जो है या जो मैरिड है उनको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये नंबर वो जो हॉल्ट है वो बाय डिफॉल्ट बढ़ जाते हैं और ओवरऑल आपका जो राइडिंग का टाइम है वो भी बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट आता है आपको जो प्लेन है वाले वो फीमेल प्लेन है क्या वो राइड करती है, अगर वो एक अच्छी राइडर है तो वो आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है। मतलब आपको अगर आपको टायर्डनेस हो रही है, आपको थकान हो रही है और आपको मन कर रहा है नहीं यार अभी मन नहीं कर रहा चलाने के लिए शायद मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, तो वो केस में जो फीमेल राइडर होगी अगर वो प्लेन जो बन के आएगी आपके साथ वो बाइक को कुछ टाइम के लिए चला सकती है जिससे आपको आराम मिल पाएगा। लेकिन अगर वो फीमेल बट ये बहुत रेयर सिनेरियो है, लेकिन अगर वो फीमेल राइडर जस्ट पिलियन है उसको बाइक चलानी नहीं आती तो ओवरऑल आपको ही बाइक चलानी है आपको ही सब कुछ हैंडल करना है तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो शायद इतना अच्छा नहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट इज लगेज हैंडलिंग कैसे है, अगर आपके साथ कोई मेल पिलियन है तो वो ज़्यादा वेट हैंडल कर सकता है क्योंकि फिजिकली वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मेल जो आदमी होता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो इनकेस आपको वेट भी कैरी करना है आपको सैडल बैग है तो उसमें भी कंफर्टेबली बैठ सकता है। अगर सपोज कोई बैकपैक है जो कमर पे लगाना है तो उसमें भी वो जो मेल राइडर होता है प्लेन होता है वो ज़्यादा वेट हैंडल कर सकता है, लेकिन फीमेल के साथ वो नहीं होता। मेरी कमर पे भी बैकपैक है इसलिए थोड़ा सा लोड ज़्यादा महसूस हो रहा है मेरे को सामान का। जब मेरी वाइफ एज अ फीमेल बैठी थी मैंने उसके कंधे पर थोड़ा टाइम के लिए बैग रखा था तो उसको यहाँ पे पूरा सूज गया था कि जो बैकपैक की जो पट्टी होती है उससे पूरा स्वेलिंग हो गया था उसको, क्योंकि उसको इतना आदत नहीं इतना लॉन्ग टाइम तक बैठने के लिए और वो इतनी स्ट्रांग भी नहीं जैसे मेल होते हैं। तो ओवरऑल जो वेट कैरिंग कैपेसिटी होती है बाइक की विद पिलियन वो ड्रॉप हो जाती है क्योंकि पिलियन उतना वेट इनकेस नीडेड है तो वो होल्ड नहीं कर सकता। नो डाउट आप सैडल बैग और टेल बैग ऐसे ऑप्शन आपके हमेशा रहते हैं, लेकिन अगर बैकपैक है तो जो ओवरऑल लगेज कैरिंग कैपेसिटी है पूरी ट्रिप की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पैनिकनेस सिचुएशंस, मतलब घबरा जाना बाइक पे, क्योंकि कैसा होता है जो लड़के होते हैं अगर वो एज अ राइडर भी नहीं है प्लेन भी हैं तो वो थोड़ा सा उनको पता होता है कि रोज़ उनके साथ बाइक पे बाहर आना जाना सब होता रहता है, उनको पता है कि यार हाँ इतना स्पीड कम है ज़्यादा है
या इस कंट्रोलेबल स्पीड है नहीं है, थोड़ा उनको आइडिया रहता है। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है और आपका जो प्लेन है वो कंफर्टेबल नहीं है स्पीड में, तो आपको स्पीड कम करनी पड़ती है। सडनली कोई सिचुएशन सामने आ जाती है, जो नॉर्मल राइडर होते हैं उन्होंने ये सिचुएशन हज़ार बार फेस की होती है तो प्रॉपरली कंट्रोल कर लेते हैं, संभाल चल लेते हैं। लेकिन जो प्लेन होता है वो पैनिक हो जाता है, वो सडनली आपको दबा देगा, आपके हाथों को शोल्डर को ऐसे दबा सकता है, खुद पैनिक होते हैं और आपको भी पैनिक कर सकते हैं। अगर आपके साथ फीमेल पिलियन है तो आप कितनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? सो डेफिनेटली आई वुड से कि ओवरऑल जो स्पीड कवर होती है पिलियन के साथ वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा होल्ड लेने पड़ते हैं, स्पीड भी उनके हिसाब से चलानी पड़ती है जिसमें वो लोग कंफर्टेबल फील करें, तो ओवरऑल जो आपकी स्पीड है वो भी ड्रॉप हो जाती है और नंबर ऑफ फॉल्ट भी बढ़ जाते हैं। तो आपका जो ओवरऑल टाइम है एक सोर्स से डेस्टिनेशन पहुँचने का वो बढ़ जाता है अगर फीमेल प्लेन है और उतनी कंफर्टेबल नहीं है। तो मेडिकल इश्यूज़ फीमेल लोग के साथ ज़्यादा होते हैं, विदाउट एनी डाउट लड़के लोग के साथ ये इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। मेरी मुंबई से हैदराबाद का अगर आप ट्रिप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने स्टे किया था एक जगह पे, जहाँ पे मैंने सिर्फ 4 घंटे से बाइक चलाई थी, मुझे वापस से रुकना पड़ा था पूरे दिन के लिए, तो फाइनली मेरे को हॉल्ट लेना पड़ रहा है। My wife is not feeling comfortable. और जो मेडिकल इशूज़ है ये लेडीज़ लोग में कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उनको पता होता है, कभी भी अनफॉर्चुनेटली वो आपकी ओवरऑल राइड में भी ये इशू आपको कभी फेस हो सकता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इफ़ शी इज़ फिजिकली फिट तो उसको कोई इशू नहीं होगा, मेडिकल इशू है कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन फीमेल में चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ माई एक्सपीरियंस विद फीमेल पिलियन, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपको बहुत पेशेंट होना पड़ता है, आपको बहुत धैर्य धारण करना पड़ता है जब आप प्लेन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो इश्यूज़ होंगे वो डायरेक्टली आपको ही बताएंगे। क्योंकि अगर आपके कोई फीमेल पार्टनर है जो बाइक पे है एज अ प्लेन, तो वो हर एक चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंड रहती है, उसका हर एक इशू आपको ही हैंडल करना पड़ता है। तो बाइक चलाना एज अ ब्लॉगर मुझे बात भी करनी पड़ रही थी, प्लस उसको भी हैंडल करना पड़ रहा था, दो पाँच पाँच दस मिनट में रोक के बाइक ये स्लो करके उसको पूछना पड़ता था कम ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है ना। तो इस तरह के काम आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, पेशेंट रहना पड़ता है, बहुत एकदम धैर्य से एकदम काम एकदम रिलैक्स दिमाग को शांत रखना पड़ता है जिससे आप ये सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। मुंबई तक मैं हॉल्ट करते करते ही जाने वाला हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। जब प्लेन आपके साथ होता है और ख़ासकर औरत, तो आपके लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तक दूसरों को ही देखा था, थोड़ा बहुत मुझे पता था कि मैं प्रेफर नहीं करता किसी प्लेन को मेरे साथ बैठाना, और आज देख भी रहा हूँ। तो ये था एक्सपीरियंस मेरा फीमेल प्लेन के साथ। आप लोगों ने भी अगर फीमेल प्लेन के साथ कभी राइड की है, छोटा या लंबा जैसा भी किया हो, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो मुझे ऐड करना चाहिए था मैंने ऐड नहीं किया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कहीं कुछ हुआ तो मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो, मैं हूँ आपको, टेक केयर, बाय बाय एंड सेफ।